हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अब्रा, एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं बुध के राशि परिवर्तन की। बुध जुबान के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। आप अपने जीवन में बोल कर जो वचन दे देते हैं उसे पूरा करने का कारक है। अब ये गोचर कुछ विशेष होने वाला है क्योंकि यहाँ पर युति रहेगी राहु के साथ। राहु और बुध की जो युति है, यहाँ पर राहु बुद्धि को हर लेते हैं। यानी कि आपने अपनी जुबान से किसी से कमिटमेंट किया है तो आप पूरा नहीं कर रहे। आप कहेंगे मैंने कहा था, ठीक है कहा था, कर लेंगे जब पूरा आएगा समय। तो इस तरह से बुध जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीड का कारक है। वो भ्रम करता है कि आप किसी लालच में आ जाएं और आप अपनी कहीं जुबान से पलट जाएं। तो बुध अब क्या आपके लिए लाएगा, आपकी राशि अनुसार, आपके लगन के अनुसार कैसा रहेगा, अब हम जानते हैं। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस में आ रहे हैं। सेकंड हाउस जुबान का कारक है, कुटुंब का कारक है, आपका धन, आपका लिक्विड कैश का कारक है। यहाँ पर बुध आ गए हैं। बुध पराक्रम के कारक हैं और कर्जे के भी कारक हैं। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि आपके परिवार में किसी को कोई हेल्थ इशू रह सकता है या घर में किसी तरह की कोई चोरी होने का, धन खर्च होने का कारण बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस समय में आप कुछ ऐसा ना कहें जो आप कहने के बाद आपको पछताना पड़े और जिसकी आप भरपाई ना कर पाएं। इसीलिए इस समय में आप अपने आप को राहु के प्रभाव से जितना बचाएं उतना बेहतर है। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। सेकेंड हाउस हमारे खाने पीने का भी है कि आपका स्वाद कैसा है। तो ऐसे में बाहर का खाना ना खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इशू कर सकता है क्योंकि बुध यहाँ पर रोगेश भी है, तो रोग होने का कारक हो सकता है। और क्योंकि ये नेक के ज्वाइंट का कारक है तो ऐसे में गले में खराश हो जाना, जुकाम होना, इस तरह की स्थिति रह सकती है। और क्योंकि कोरोना है, कोरोना गले से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम कुछ आशा करेंगे कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने खान पान का खास ध्यान रखते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन वालों के लिए लगन में पहले से ही राहु विराजमान है। राहु यहाँ उच्च के हैं लेकिन साथ में बुध आ रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा झूठ बुलवा सकते हैं कि आप कोई ऐसे वादे की कमिटमेंट कोई ऐसी करें जो आपको खुद ही नहीं पता कि वो इन फ्यूचर होगी भी या नहीं। तो कोशिश ये करें कि इस समय में कोई भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो, आगे चल के आपको कोई जवाबदारी देनी पड़े। सेकेंड हाउस के कारक हैं बुध और लगन में आए हैं और राहु। राहु क्योंकि स्ट्रीट भी है, यानी बाहर का खाना, गलत जगह का खाना, साफ़ सुथरा ना खाना, इस तरह का भी कारक है। तो कोशिश करें इस समय में बाहर का खाना ना खाएं जो आपको हेल्थ इशू कर सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन वालों के लिए 12th हाउस में आ रहे हैं। राहु 12वें घर में आते हैं तो खर्चा तो देते ही हैं। एक पापी ग्रह का एक मैलिफिक हाउस में आना तो कहीं ना कहीं नुकसान 12वें घर का ही हो रहा है, खर्चे का ही हो रहा है। तो पर यहाँ पर बुध भी आ गया है, तो बुध यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की कमजोरी भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने फैसलों करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस समय में कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपको परेशानी हो। कर्क लगन वालों के लिए सबसे अच्छी है ये युति और ये सबसे अच्छा गोचर रहेगा क्योंकि यहाँ पर 12वें घर के स्वामी लाभ भाव में आ रहे हैं। यानी खर्चा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा, यानी किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको लाभ देकर जाएगा। और यहाँ पर राहु साथ में बैठा है, यहाँ ये दो नंबर के पैसे की भी बात करता है कि कहीं ना कहीं मैं आपको इस तरह का पैसा दूंगा जो बिना मेहनत से आपको मिल रहा है। तो कर्क लगन वालों के लिए युति सबसे बेस्ट होने वाली है, तो वो ध्यान रखें। बट कहीं पर भी कुछ ज़्यादा लालच में ना आए जिसके कारण आपकी छवि को ख़राब करे वो। तो कोशिश करें कि इस समय में आप संभल कर बैलेंस करके चीज़ों को चलें। सिंह लगन वालों के लिए यहाँ पर ये युति आ रही है 10वें घर में। 10वें घर में ये युति बहुत अच्छी रहती है क्योंकि 10वां घर है आपका कर्म भाव। यहाँ पर ये आपको मल्टीटास्किंग बनाता है और बिजनेस का ही कारक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप काम करो तो मैं आपको फ़ायदा तो दूंगा ही दूंगा। यहाँ पर एक साथ दो तरह के काम करने के लिए वो प्रेरित करता है कि एक काम चल रहा है, ठीक है हम एक और नया काम करते हैं। तो दो तीन तरह के काम करवाने का 10वें घर में कारक है राहु। और साथ में बुध आ रहा है तो कुछ बिजनेस का ही है, तो बिजनेस तो करवाएगा ही। तो कोशिश करें इस समय का सही उपयोग करें और कहीं पर भी भ्रमित ना हो, किसी भी इस तरह के कार्य में ना आए कि आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाया जा रहा है और इन फ्यूचर वो लाभ होगा या नहीं होगा वो चीज़ आपकी पूरी तरह से पक्की नहीं है। और अब बात करते हैं कन्या लगन वालों। कन्या लगन वालों के भाव अज्ञ भाव में आ रहे हैं। ये लग्नेश भी हैं और 10वें घर के भी स्वामी हैं पर अपने से पीछे नवम भाव में चले गए हैं, जहाँ लगन को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको हर तरह से कोई भी आप कार्य करते हैं उसको मैं भाग्य को सपोर्ट दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु के साथ ये बैठने के कारण
भाग्य भाव में धर्म के प्रति आपको एक लापरवाह बनाता है कि मैं नहीं मानता किसी चीज़ को, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मंदिरों को नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानता, इस तरह की प्रवृत्ति भी दे सकता है जो कि ठीक नहीं है लगन के लिए। तो कोशिश ये करें कि इस समय में अपने आप को भ्रमित ना होने दें। बुध यहाँ पर आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कर्म जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको जॉब चेंज करने की पड़े या जॉब में वहाँ पे कोई दिक्कतें आएँ या आप कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें ये तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा उनको अभी भ्रमित करने वाला, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही।
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। हमारी सिर्फ यही भावना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप कभी भी भ्रमित ना हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे मेरे नंबर पे आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा जवाब हम जरूर देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता।